सो हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी मेरे बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए जल्दी से बेटा मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दीजिए, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर ये दोनों चीजें हो रही है ना, जल्दी से चैट सेक्शन में बाय लिख दीजिए सभी बच्चे। और बेटा जिन्होंने माइक कैमरा ऑन कर रखा है ना, ऑफ कर लीजिए, कैमरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैमरे की जरूरत नहीं है, प्लीज बंद कर लीजिए। अच्छा यस, सो जो मेरे बच्चे हैं मेरे ग्रुप में जिनको मैं रेगुलर लेती हूँ, गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज मेरे साथ नए जुड़े हैं, शुभम सर की क्लास के बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। कुछ बच्चे अभी अभी नए जुड़े हैं, तो बेटा आज की क्लास मैं आप लोगों की लूंगी, राइट? ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से शुभम सर ही कंटिन्यू करेंगे आप लोगों की। क्या बेटा कट कट के आ जाओ, आज कट कट की आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार मुझे बाकी बच्चे मुझे जरा चैट सेक्शन में बता चुके हैं कि यस आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है उन लोगों को। तो बेटा एक बार ऐसा करो, एक बार लीव करके ज्वाइन करो आप, है ना? बाकी बच्चों को मेरे ख्याल से क्लियर है, हाँ सबको, दोनों बैच में क्लियर है। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, नेटवर्क भी देखो थोड़ा सा, और नेटवर्क वाले प्लेस पे जरूर बैठना। ठीक है, सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है आज हमारी कौन सी क्लास है, रिविजन क्लास चल रही है, चौथी रिवीजन क्लास है आज, है ना? दोनों बैचों की, नंबर सिस्टम की हमारी ये फोर्थ रिवीजन क्लास है, नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, राइट। सो अभी तक बेटा आप लोग क्या पढ़ चुके हो, आप लोगों ने देखा था इंटीजर्स के ऊपर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, आज मैं थोड़ा सा डिवीजन बताऊंगी पहले। ठीक है, और डिवीजन के बाद बच्चों हम फ्रैक्शन पे मूव कर जाएंगे। तो मेरे बैच के बच्चों को तो डिवीजन से ही हमें स्टार्ट करना था, शुभम सर की क्लास के बच्चों में थोड़ा सा बेटा रिपीट हो सकता है डिवीजन वाला पार्ट, तो हो सकता है बेटा कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट आपके हो सकता है रिपीट हो, बट वो कुछ नया ही सिखा के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फ्रैक्शन पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे मूव करते हैं। अच्छा चलो बच्चे, अगर मैं रूल्स की बात कहूँ, सभी बच्चों को पता है कि हर क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, तो हमारी भी क्लास के कुछ रूल्स हैं। और जो मेरी हमारे जो बच्चे हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट है, दोनों ही ग्रुप के बच्चे बहुत अच्छे से रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके लिए थैंक यू बच्चों। आप सभी को पता है कि आवाज, जैसे कि माइक ऑन नहीं करना है अननेसेसरी, कैमरा ऑन नहीं करना है अननेसेसरी, जो आप लोग करते भी नहीं हो, उसके लिए थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, ये आपका कोई डाउट है ना, अपना डाउट आप लोग लिख दीजिए। बेटा मुझे अननेसेसरी ना दोनों ग्रुप्स को म्यूट करना पड़ जाएगा, ठीक है, इसमें फिर आप लोगों का ही लॉस है, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लो, रिक्वेस्ट है। ठीक है, जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कीजिए, आपका डाउट है वो लिख दीजिए। आप लोग क्या करोगे, तीन डॉट पे जाओगे, इनकॉल मैसेजेस में जाओगे, वहां जाके मैसेज कर दोगे। बेटा मैं जब भी कहती हूँ पोल्स में आंसर कर दीजिए, तो आप लोगों को क्या करना है, तीन डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर आप लोगों को ठीक लग रहा है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा पोल में मेरा हर एक बच्चा आंसर देगा उसका, इस किस लिए, क्योंकि आंसर आप जब पोल में दोगे मुझे उसी से समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। अगर गलत होगा तो बेटा उससे ये चीज होगी कि हमारे को डाउट पता लग जाएंगे और मैं फिर कुछ और तरीके से बता पाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन और इंटीजर्स। अच्छा, ऑपरेशन और इंटीजर्स अदर इंटीजर्स, अदर नंबर्स पे जो हम ऑपरेशन करते हैं उनसे डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो इंटीजर होता है बेटा, है ना, इंटीजर्स जो होता है उसके अंदर हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है, है ना, सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। सो नेगेटिव नंबर आने की वजह से यहाँ पर माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो पर जब भी हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हम साइन को भी देखते हैं कि वो साइन कैसे चेंज हो रहा है, राइट? चलिए, लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सभी को बताया था हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा था बच्चों, याद है सभी को कि हम दो रूल्स को फॉलो करते हैं, सिर्फ दो रूल्स बताए थे मैंने। सबसे पहला हम क्या देखते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको ब्रैकेट हटाना है, ठीक है, अगर आपको ब्रैकेट हटाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई का रूल यूज करोगे। मल्टीप्लाई क्या कहता है कि अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव के नंबर है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हो तो आपको प्लस मिलता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तो भी आपको प्लस मिलता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हो माइनस मिलता है। सभी बच्चे कॉपी लेके बैठिएगा प्लीज,
और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हो, माइनस का साइन मिलता है, याद है सभी को, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर मल्टीप्लीकेशन रूल बेटा याद है ना, यही सेम अप्लाई आपके डिविजन में होंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई की जगह आपको डिवाइड लगाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मतलब मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद बेटा आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दो रूल फॉलो करने हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास सेम साइन वाले नंबर है, एक जैसे नंबर है, मान लीजिए सेम साइन के नंबर, मतलब सेम साइन मतलब अगर मान लीजिए अगर आपके पास माइनस सेवन है, माइनस फाइव है, दोनों सेम साइन के है, एक प्लस का एक माइनस का है, आप क्या करोगे, ऐड कर दो माइनस, बेटा ऐड करेंगे, ठीक है। सेम साइन के नंबर होते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है, और जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगा देते हैं, सिंपल। और हमने क्या देखा था कि अगर डिफरेंट साइन के नंबर, एक प्लस का है एक माइनस का है, राइट, एक प्लस का है एक माइनस का है, हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और बड़े वाले नंबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। जो डिफरेंट साइन होंगे तो हम क्या करते हैं बच्चे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। क्या सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है, दोनों कॉन्सेप्ट? अगर मेरे पास, याद करो हमने क्वेश्चंस करे थे, माइनस फाइव प्लस ब्रैकेट माइनस दो, मैं एक नंबर ले लेती हूँ, मान लो माइनस फाइव प्लस ब्रैकेट माइनस दो में एक नंबर ले लेती हूँ, मुझे इसे सॉल्व करना है। चलिए बताइए जरा चैट सेक्शन में दोनों ग्रुप के बच्चे क्या आंसर आएगा, देखते हैं जरा। मे भी हो सकता है बेटा शुभम सर की क्लास के बच्चों, हो सकता है सर ने किसी दूसरे तरीके से आपको पढ़ाया हो, है ना, लेकिन आंसर तो सेम ही होता है ना, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा, राइट। यस, वेरी गुड, कुछ बच्चे बहुत सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बैच के बच्चों बताओ जरा क्या आंसर आएगा, एक मिनट में। हाँ बेटा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। शुभम बच्चे, जो शुभम सर की क्लास के बच्चों ने, सबने ना बेटा, कुछ बच्चों को छोड़ के सबने ना सेवन सेवन लिखा है बच्चा, सेवन नहीं आएगा, माइनस सेवन आएगा, थोड़ा सोचो, माइनस सेवन आएगा। यस मैम, है ना, कुछ बच्चे सेवन, और मेरी बैच में जितने बच्चों ने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, बहुत बढ़िया, मतलब सबको सब याद है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा ध्यान से सुनना, देखो जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट आप कैसे सॉल्व करते हो, मल्टीप्लिकेशन रूल से। तो जैसे यहाँ पर क्या, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से है, तो मैंने क्या किया, देखा कौन सा रूल लगेगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किया, माइनस का साइन आएगा, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, टू लिख दिया, माइनस फाइव का तो माइनस फाइव ही रहेगा, ठीक है। अब दोनों, अब आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, पहले आपने मल्टीप्लाई अप्लाई कर दिया, उसके बाद देखा दोनों माइनस के साइन है, कैसे साइन है, एक जैसे साइन है, जब एक जैसे साइन होते तो आप ऐड करते हो, ऐसा प्रैक्ट करते हो, ऐड करते हो, ऐसा प्रैक्ट करते हो, बताओ जरा, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं बच्चों। तो मैंने ऐड कर दिया, सेवन आ गया, है ना, और बड़े वाले नंबर का साइन लगा दो, माइनस सेवन, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सही। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हुई है या नहीं, यस और नो चैट सेक्शन में, यस और नो, फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। यस मैम, बेटा प्लीज प्लीज चैट सेक्शन में करो ना प्लीज, इससे ना बहुत नॉइस हो जाएगी बेटा। ओके ठीक है, सो सिंपल है, अगर आपके पास ब्रैकेट सॉल्व करना है तो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करो, उसके बाद अगर आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है, एक जैसे साइन आ रहे हैं, सेम साइन के नंबर है, ऐड कर दो, बड़े नंबर का साइन लगा दो, डिफरेंट डिफरेंट साइन के नंबर आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो और बड़े नंबर का साइन लगा दो। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, सारे दोनों बैच के बच्चे मुझे आंसर देंगे चार्ट सेक्शन में, क्या होना चाहिए इसका आंसर। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, माइनस दो प्लस ब्रैकेट माइनस पांच प्लस तीन, चलो देखते हैं क्या आंसर बता दो। अच्छा आराम आराम से करना, पहले आपको दोनों सॉल्व करने हैं, है ना, उसके आंसर जो आएगा उसके बाद इस थ्री पे जाना है, ठीक है। ब्रैकेट्स के लिए वही मल्टीप्लीकेशन रूल फॉलो करो, और उसके बाद सेम साइन है तो ऐड, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट। चलो दोनों बैच के बच्चे मुझे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे, देखते हैं कितना सही है। और किसी भी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है ना, वो भी मुझे बता देना बच्चों, है ना। यस, स्क्रीन नहीं दिख रही, किसको स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, बिल्कुल सही बेटा, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है,
ठीक है सो मैंने देखा -2 का -2 लिखा है ना, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे -5 आएगा, राइट। सो मैंने इन दोनों को देखा, एक जैसे साइन है, -7 हो गया, +3 कर दिया, ठीक है। आप देखा एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस का 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों ने दोनों बैच में, दोनों बैच में बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सभी को ये चीज क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लू क्या चैट से? यस मैम। चैट में यस और नो? एक क्वेश्चन पूछू क्या? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी बच्चे कहाँ देंगे, सुनिए अभी मैं बात ध्यान से सुनेगा। मेरे बैच के जो बच्चे हैं वो मुझे देंगे इसका आंसर चैट पोल के अंदर, और शुभम सर की क्लास के बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे चैट के अंदर, ठीक है, क्लियर है? यस बेटा, मैंने बोला जो मेरे बैच के बच्चे हैं, जो मेरे बैच में लेते हैं है ना, वो मुझे करेंगे इसका आंसर पोल में, और जो शुभम सर की क्लास के बच्चे हैं ना वो बेटा आप चैट में आंसर करना। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप लोग ये क्वेश्चंस कर चुके हो पोल में ना, इस वजह से आपको ये चैट में करने हैं। बेटा आप मेरी बैच के हो, मौसम कुमारी की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, आप मेरी बैच के, आप नए ज्वाइन हुए हो क्या? नो मैम। अच्छा तो फिर आपने ये क्यों पूछा मैम किस बैच के हम? अच्छा पता नहीं था। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, ओके ओके ओके। मैम ये भी बताना कौन सा ठीक है। हाँ बेटा मैं सब बताऊंगी, मैं प्रॉपर क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। बेटा मनोज कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप कैमरा बंद करोगे क्या? रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहुत देर से देख रही हूँ आपको, प्लीज बंद कर लो, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, क्लास अच्छी चली जाएगी दोनों भाई। कैमरे बंद कर लो अपने, कैमरे ऑफ कर लो बेटा, वो तो मैं कर लूंगी। एक मिनट, हाँ 3 है बेटा ये, सॉरी माय मिस्टेक, 3 है ये, यस 3 -3 है ये, -3 है, माय मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक हुई है, -3 है बेटा। 15 -12 प्लस ब्रैकेट -3, ठीक है, यस वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मेरे को सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। मैम आंसर डी है, 0 बेटा, प्लीज नहीं, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, दोनों बैच के लिए जब पोल में आंसर हुए मत बोलिए प्लीज, क्योंकि आज दोनों बैच की दोनों में जाइए, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बोलो मत, पोल नहीं खाई तेरा बेटा, पोल नहीं है आपका, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, तब वहां पर आप कर दीजिए, ठीक है बेटा, पहले म्यूट कीजिए सभी बच्चे, मैं देखती हूँ, ठीक है बेटा, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज सभी बच्चे प्लीज बीच में ना बोले, ठीक है, क्योंकि एक इससे क्या हो रहा है, आप लोगों को डिस्टरबेंस क्लियर हो रही है। अच्छा एक बार करेंगे ना तो भी मुझे आंसर पता लगेगा, विनोद कुमार की आईडी से बेटा, ठीक है, एक बार आंसर लिखोगे ना तो भी वही आंसर रहेगा, चार बार लिखोगे तब भी वही आंसर रहेगा, ठीक है, सो रिक्वेस्ट है एक ही बार लिखो, है ना, वेरी गुड, बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर लिखा है आप लोगों ने, वैसे सर करा भी चुके हैं तो आपको याद भी होगा, हाँ बिल्कुल सही। चलो बाकी बच्चे मेरे ग्रुप में बच्चे, सभी बच्चे आंसर कर दो, सबका आंसर नहीं आया मुझे, जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, जो मेरे दूसरे बैच में ऑन ही थी ऑलरेडी, देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, मेरे मैक्सिमम बच्चों ने ना दोनों बैच में बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है, आप पहले इन दोनों पे जाओगे, सिंपल, आप देखोगे 15 में से 12 गए, सिंपल 3 आ जाएगा, है ना, फिर प्लस ब्रैकेट -3 यहाँ उतार लेंगे। अब देखो एक प्लस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, कौन सा साइन आता है, कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है बच्चों, है ना,
सो मैंने लिखा 3 माइनस 3। आप देखो एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट होगा और 3 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्या मेरी बात सभी बच्चों को? हाँ बेटा, हाँ अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है बेटा, मैं चेक कर लूंगी उसका। हाँ सो इसका आंसर क्या हुआ? 0 आंसर हुआ। बिल्कुल सभी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सबने ही बिल्कुल आंसर किया था। हाँ बेटा बोलो। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है बताओ। मैम पहले हम ये जो हम अपना कोष्टक खोल सके ना पहले। हाँ अगर आप ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट, हाँ कोई इश्यू नहीं है। आप पोस्टर पहले खोलना चाहते हो, ब्रैकेट खोलना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो पहले खोलो। दोनों तरीके हो सकता है, सर ने आपको पहले ये बताया हो कि आप ब्रैकेट पहले खोलो, ठीक है? दोनों ओके मैम, थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ये क्या होता है, मैं मोस्टली प्रेफर ये करती हूँ कि स्टार्टिंग से हम चलते हैं ना, तो 2 को सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन निकालो, फिर तीसरे पे जाओ। हो सकता है सर ने आपको ये बताया हो कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, उसके बाद प्लस माइनस करके वैसे सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है, वो भी बिल्कुल करेक्ट है, आंसर करेक्ट ही आएगा, ठीक है? यस बेटा, और किसी बच्चे को डाउट इससे? हाँ सलीम खान की आईडी से, यस बेटा क्या डाउट है बताओ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा जल्दी से आप क्या ले लेते हैं, डिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन पे मूव कर जाते हैं बच्चों। क्यों डिवीजन जल्दी से कह रही हूँ? क्योंकि डिवीजन सभी को याद है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स तो ही सेम फॉलो होते हैं। यस और नो, क्या गलत कह रही हूँ मैं? यस और नो, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन यूज कर रही हूँ, 2 एडिशन कर रही हूँ, दोनों प्लस के नंबर है तो हमेशा प्लस आता है, सेम माइनस माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है, एक माइनस का एक प्लस का हो तो भी आपके पास माइनस आता है, एक प्लस का एक माइनस का हो तो भी माइनस का आएगा, राइट? सेम रूल आपके डिवीजन में अप्लाई होंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई की जगह पे आप डिवाइड लगा दो, है ना? प्लस का प्लस से करते हैं, प्लस का साइन आता है, माइनस का माइनस से करते हैं, प्लस का साइन आएगा, एक प्लस का एक माइनस का डिवाइड कर रहे हैं तो कौन सा साइन आएगा? माइनस, सेम वही चीज माइनस। क्या मेरी बात, मैंने कंपैरिजन किया बेटा, क्लियर है क्या? नहीं शुभम सर की क्लास में बेटा ये हो चुका है ना, तो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो सकता है सर का और मेरा पढ़ाने का, पर कंक्लूजन और आंसर सेम ही है, ठीक है? तो वैरायटी मिल सकती है आपको, ठीक है? यस बेटा, मैंने ये बताया कि आपको जैसे मल्टीप्लीकेशन जो रूल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, वही सारे रूल है बच्चों, वही रूल यूज होंगे डिविजन में, बस आप मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लगा देना, ठीक है? जैसे मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, ठीक है? यस, अगर मैं मान लो इस क्वेश्चन पे जाती हूँ, मैं 12 को 4 से डिवाइड करती हूँ 12 को, तो मुझे 3 मिलेगा, राइट? अब याद करो, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते कौन सा साइन आता है? प्लस का साइन आता है, राइट? सो सेम वही यहाँ पर है, दोनों प्लस के हैं तो मुझे रिजल्ट कैसा मिलेगा? प्लस का मिलेगा, ठीक है? अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये दोनों कैसे हैं बेटा? माइनस के हैं, माइनस का डिवाइड माइनस से करती हूँ तो कौन सा साइन मिलेगा बच्चे? याद करो मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लाई करते दोनों, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करती हूँ, कौन सा मिलता है साइन मुझे? चैट सेक्शन बताओ जरा, कौन सा साइन आता है माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो? मैम प्लस का। यस बेटा, प्लस का साइन आता है, तो मैं यहाँ भी मल्टीडिवीजन में भी प्लस का साइन लगा दूंगी। माइंड में आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन रूल रखना है, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन रूल याद है ना बेटा, वही डिवीजन में रूल होंगे सारे। क्या मेरी बैच के बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर है, मतलब दोनों बैच में ही क्लियर है? ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो, एक प्लस का एक माइनस का है ना, तो मुझे याद था अगर मैं प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करती हूँ तो मुझे माइनस साइन मिलता है, तो मैंने यहाँ भी डिवाइड में भी माइनस लगा दिया, राइट? सेम मैंने यहाँ पर किया है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करती हूँ तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। क्या मेरी बातें, ये जो मैंने बताई हैं, दोनों बैच में क्लियर है या नहीं? यस और नो में मुझे बस आंसर चाहिए, चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में मुझे बता दो, फिर मैं क्वेश्चन कुछ पूछूंगी पोल्स के अंदर। मैम क्लियर है। वेरी गुड, बोल तो लिया। वेरी गुड बेटा, बच्चे चैट में आंसर दीजिए सभी बच्चे, रिक्वेस्ट है, ठीक है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन का मुझे सभी बच्चे आंसर दो। सपोज करो मेरे पास एक नंबर है, नंबर है -20, मुझे इसे डिवाइड करना है 5 से। चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे क्या आंसर आना चाहिए, -20 को डिवाइड करना है 5 से। माइनस का 4। -4 चैट में, यस। कुछ बच्चे
मैम माइनस का 4 आएगा। हाँ बेटा माइनस का 4 ही आएगा, वो चीज आप चैट में लिख दो, मैं चैट से पढ़ लूंगी। इस हाँ बिल्कुल सही बच्चों, कुछ बच्चे 4 लिख रहे हैं, तो बेटा 4 नहीं आएगा, माइनस का 4 आएगा। कैसे? देखो आपने क्या किया, सिंपल 5 से डिवाइड किया 4 को, 20 को 4 आ गया है ना। अब आपने साइन देखा, एक माइनस का है, माइनस का और एक प्लस का है। याद करो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं, कौन सा साइन आता है हमें, माइनस का आता है। सेम वही डिवाइड में यूज हो जाएगा, तो मुझे कितना मिल गया, माइनस का 4। ठीक है चलो सभी बच्चे मुझे अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे, कहां पर बेटा, पोल में। ठीक है क्योंकि बहुत ईजी था। चलो माइनस 50 है, इसको डिवाइड करना है माइनस 5 से। ठीक है माइनस, मैम प्लस का 10 होगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मुझे अननेसेसरी मत वो कीजिए कि मैं आपका चैट बंद कर दूँ। बेटा अच्छी से क्लास लीजिए ना, एंजॉय करके क्लास लीजिए, कुछ रूल्स हैं आप भी फॉलो कीजिए। मैं बता रही हूँ बेटा, ये क्वेश्चंस आपके बैच में हो चुके, दूसरे बैच में प्लीज रिक्वेस्ट है, 10 मिनट में, 10 सिर्फ थोड़ा सा है, 5-2 क्वेश्चंस का और है, उसके बाद सबका सेम आ जाएगा। प्लीज बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, अदरवाइज फिर मैं स्ट्रिक हो जाऊंगी तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है चलो बच्चों, मेरे बैच में जितने बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दो इसका, ध्यान से करना, और माइनस 50 को डिवाइड करना माइनस 5 से। और शुभम सर की क्लास के जितने भी बच्चे हैं बेटा, आप लोग मुझे चैट में आंसर कर दो। आई नो आपको पता है ऑलरेडी आंसर, तो अभी आप कर दीजिए। यस वेरी गुड वेरी गुड बेटा, 2 क्वेश्चन की और बात है, प्लीज आप लोग आंसर ना बताएं, है ना। यस वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। माइनस 50 है, इसको डिवाइड करना है माइनस 5 से। तो पहले आप 5 से 5 से 50 को भाग कर दो, डिवाइड कर दो, उसके बाद याद करो माइनस का मल्टीप्लाई हम माइनस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है, वही डिवाइड में आएगा बच्चों, वही डिवाइड में आएगा कि माइनस का डिवाइड माइनस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है। ठीक है चलो कर दीजिए सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, बार बार सॉरी की बात नहीं, बस अगली बार रिपीट मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। वेरी गुड सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। बेटा माइनस 50 है, उसको डिवाइड करना है माइनस 5 से, है ना। दोनों माइनस माइनस के होते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते तो याद करो कौन सा साइन आता है, वही हमारा डिवाइड में भी आएगा, है ना, वही हमारा डिवाइड में भी आएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही शुभम सर की आईडी, बैच में जितने बच्चों ने आंसर किया ना, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही बेटा। अब मेरे बैच के बच्चे जितने भी पोल में आंसर कर रहे हैं ना बेटा, जल्दी से सभी बच्चे कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 4 बच्चे बचे हुए हैं, 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए मेरे इस बैच में कुछ बच्चों के पोल नहीं चलते हैं, तो बेटा चैट ऑन कर रही हूं मैं, चैट में आंसर कर दीजिए। ठीक है देखो बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है देखो मैंने आपको क्या बोला, पहले आप क्या करो, 5 से 50 को डिवाइड कर दो, सिंपल डिवीजन है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे आप ऐसे फ्रैक्शन में लिख के कर दो, 5 × 5, 5 × 5, 10 आ जाएगा। ठीक है, या आप प्रॉपर डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, 5 × 5 पे जाएगा और 0 आया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको पता है अगर नीचे रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर उस और ऊपर एक नंबर बचता है 0, तो उस नंबर को हम ऊपर पहुंचा देते हैं ना, तो 10 हो गया, तो डिवाइड करके तो हमें 10 मिला। अब बात कर लेते हैं बच्चों साइन की। ठीक है, साइन आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था माइनस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस करते हैं हमें प्लस का साइन मिलता है, राइट। तो यही सेम वाला रूल आपका डिवाइड पे भी यूज होगा कि माइनस का डिवाइड माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो कौन सा साइन आएगा आपका, प्लस का 10, यानी कि 10 डी नंबर ऑप्शन जो आपने किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने यही किया दोनों बैच में। थैंक यू बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर देखो, दे दो। पहले मुझे बताओ किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें, साइन में डाउट आ रहा है क्या किसी बच्चे को चैट में बेटा, प्लीज
कि मल्टीप्लीकेशन के जो रूल है वही सेम रूल होंगे, मल्टीप्लीकेशन के साइड में लिख लो, याद कर लो, वही रूल आपके अप्लाई होंगे। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। -169 है, इसको डिवाइड करना है 13 से, ठीक है। मेरे दूसरे बैच से रिक्वेस्ट है प्लीज आप बताएंगे नहीं, चैट में आंसर करेंगे, ठीक है। 13 से 169 को डिवाइड करो, फिर सोचो माइनस का डिवाइड प्लस से करेंगे तो कौन सा साइन आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मेरे सभी बच्चे करेंगे दोनों बैच के, ठीक है। यस मेरे बैच के बच्चों बहुत थैंक यू, आप मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो कि मैं थोड़ा डाउट। हाँ बेटा बताओ क्या डाउट है, बताओ बताओ क्या डाउट है बताओ, मैं बताऊंगी। मैम माइनस माइनस प्लस होता है और साइन भी प्लस का ही आता है। हाँ बेटा देखो दो सिचुएशन है ये इसमें ना, ये है आपका अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो है ना और डिवाइड कर रहे हो, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं ना तो हमेशा प्लस का साइन आता है, ठीक है। लेकिन जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों नंबर सेम है, माइनस माइनस के या प्लस प्लस के हैं, ठीक है। तो आप एडिशन करते हैं लेकिन बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं, है बेटा। ओके मैम, पूरी बात तो समझ लेते बेटा। हाँ सर, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तब हम देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा, फिर उसका साइन लगाते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस या माइनस की डिवाइड माइनस से करते हैं तो प्लस का ही साइन आता है, ठीक है। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ पर हमारा नंबर है माइनस का डिवाइड करना है प्लस से, ठीक है। तो पहले बेटा 13 से 169 माइनस का 13, बेटा नहीं बताना आप में सलीम खान के आईडी से जो बच्चा, बेटा नहीं बताना आंसर। मैं बार बार एक ही बात बोलूं, किसी भी बच्चे का दोनों में से किसी भी बैच में ना कोई भी बच्चा न्यू नहीं है, सभी बच्चों को सारे रूल बताए और सभी बैचेस में रूल सेम है ना। और मेरी बैच के बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है, जितना कुछ बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं ना बच्चों, मैम बार बार बोल रही है तो समझो ना मैम की बात को। चलिए बाकी बच्चे आंसर कर दीजिए मुझे जल्दी जल्दी, अभी भी मेरे कुछ बच्चे नहीं आए का आंसर नहीं आया है, है ना। 13 का डिवाइड आप लोग 169 से करोगे तो क्या आएगा आंसर, बता दो जरा सभी बच्चे। मेरे काफी बच्चों का आंसर चैट में आ चुका है और काफी का पोल में भी आ चुका है ना। राइट, वेरी गुड। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैम आज जो क्लास रहा है नहीं, हाँ बेटा वो सब हो जाएगा, ठीक है। यस वेरी गुड, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो, मेरे कुछ बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, फास्ट फास्ट कीजिए बेटा। सबको पता है डिवाइड करना सबको आता है, 13 से 169 को डिवाइड करना मेरे हर एक बच्चे को आता है, कर दीजिए। उसके बाद आपको माइनस का और प्लस में साइन देखना है, आप वो देखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी करो बेटा, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, आंसर सबका चाहिए मुझे। वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरा जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 13 4 -30 बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे को अभी एक बार बंद तो करने दो। मैं सबसे बोल रही हूँ, जितना प्यार से बोल रही हूँ उतना ही बच्चा आप मान नहीं रहे हो। मैं सबको म्यूट कर दूंगी, दोनों बैच को। 3 2 1 0 वेरी गुड, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के, जितनों बच्चों ने आंसर किया है बेटा, दोनों ही बच्चों दोनों बैच में बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है कि अगर आप 13 से डिवाइड करोगे पहले 169 को, ठीक है, सिंपल डिवीजन है, 13 13 पे जाएगा, माइनस करोगे 3 आ जाएगा, है ना। ऊपर से आपने 9 उतार लिया, अभी 39 हो गया, 13 के टेबल में 3 पे आता है 39, राइट। तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। अब बात कर लेते हैं साइन की, साइन हमें पता है एक प्लस का हो माइनस को, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं हमें माइनस का साइन मिलता है, सेम आपका अप्लाई होगा कहां पर, डिवाइड में। तो कौन सा आ जाएगा बेटा, माइनस का 13, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, राइट, बिल्कुल सही। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। हाँ बेटा, बेटा आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हो आप, नहीं आवाज नहीं आ रही रंजीत की आईडी से, बेटा आपकी बहुत ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, मैसेज करो आप, टाइप करो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे मुझे सभी बच्चे, फिर हम आगे अगले कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, 1020 है, इसको डिवाइड करना है माइनस 10 से, ठीक है। सो सिंपल है, 10 से डिवाइड कर दो और उसके बाद प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो कौन सा साइन आता है वही डिवाइड में हमारा यूज होगा, ठीक है। सही बच्चे, माइनस 12। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। और जो शुभम सर की क्लास के बच्चे हैं बेटा, वो आप लोग चैट में आंसर करोगे, ठीक है। और मैं आप सभी को बार बार बोल रही हूँ, प्लीज ना बोले, ठीक है। आंसर आप बता के बेटा कुछ नहीं होगा, आप अभी इसके बाद से आंसर सभी बच्चों को करना है पोल में, आप लोगों को भी करना है, ठीक है। चैट में नहीं पूछूंगी मैं इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से, डोंट वरी। और किसी कोई भी बच्चा बोल के नहीं बताएगा, सर की क्लास में भी नहीं बोल के बताते ना बेटा, क्योंकि वो हमारा रूल ही नहीं है, है ना। सभी बच्चों को आपका आंसर पता लग जाएगा, फायदा क्या है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चों को आंसर चाहिए। मुझे 1020 है। देखो आप एक तो सिंपल डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हो, और याद करो मैंने फ्रैक्शन में भी बताया था बेटा, नीचे जीरो और ऊपर जीरो डायरेक्ट कट रही हो, वो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, और सिंपल यहाँ पर डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। और उसके बाद साइन देख लेना। चलो करो बच्चों सभी, वेरी गुड। राकेश यादव की आईडी से जो बच्चा है शुभम सर की क्लास का, बेटा आप बहुत देर से ना माइक कैमरा ऑन कर रखा है, दिखा रहे बेटा, प्लीज मत करो, सबको सबसे रिक्वेस्ट है आप लोगों को, मैं सबको म्यूट कर दूंगी और सभी को वो कर दूंगी, तो प्रॉब्लम फिर आप लोगों को ये आएगी कि आप ठीक है। वेरी गुड बच्चों, काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दो। सलीम खान की आईडी से बेटा, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, कंप्लेंट हो जाएगी आपकी। आप रेगुलर ज्वाइन होते हो, आपको रेगुलर पता है रूल्स क्या है बच्चे, नहीं करना है ये सब। सेकेंड टाइम दे रही हूँ मैं आपको वार्निंग, ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से चैट में आंसर कर दो, और जो बच्चों को पोल में करना है वो पोल में कर दीजिए, मतलब तुम सब के आईडी वाले बैच के बच्चे जल्दी से मैसेज में आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी बच्चे मेरे आंसर कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं, 5 सेकेंड और जल्दी से आंसर बताइए, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आप अगर नेट खत्म होने वाला है तो आप एंड कर सकते हो, लेकिन ट्राई कर रहे हो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो बेटा, सभी बच्चे जब क्लास होती है ना तो थोड़ा नेट को सिक्योर रखा करो, सभी बच्चे ना बचा के रखा करो क्लास के लिए। चलिए मैंने क्या किया, सिंपल बेटा, अगर मैं डिवाइड का रूल अप्लाऊ यहाँ पर, याद है फ्रैक्शन में सिंपल जीरो से जीरो कट जाएगी, 102 आ जाएगा, राइट। और वैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल में जो हमारा मेथड है, 10 चेक करेंगे 1 पे जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। ऊपर से मैंने 2 नीचे लिख लिया, याद करो जब भी हम एक टाइम पे दो डिजिट लिखते हैं, दूसरी डिजिट भी अगर नीचे आ रही है तो ऊपर जीरो जाता है, राइट। So, अब ये 2 पे चला जाएगा, यहां से 20, बिल्कुल सिंपल 102। तो 12 जिन बच्चों ने लिखा है ना बेटा, 12 नहीं आएगा, 102 आएगा। अब बात कर लेते हैं बेटा साइन की। सो देखो एक प्लस का है ना, प्लस का डिवाइड माइनस से करते हैं तो हमें माइनस का साइन मिलता है, राइट। जो था प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमें माइनस का साइन मिलता है, सेम वही अप्लाई होगा, राइट। सो मुझे कितना आंसर मिला, -102,
सो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें बेटा प्रॉब्लम क्या हुई ना, कुछ बच्चों ने मेरे ना 12 लिखा है। सो हमेशा याद रखो, एक टाइम पे अगर ऊपर से आप दो टर्म्स उतार रहे हो, दो डिजिट उतार रहे होते हो, सो हमेशा ही आपको क्या करना होता है बच्चे, कि साथ में ना ऊपर नंबर फिर जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने दो उतारा, दो देखा, दो दस के बारे में कभी नहीं आएगा, तो मैंने जीरो भी लिखा, तो मैंने ऊपर फिर एक जीरो लगा दिया। ठीक है, चलिए क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, जरा चैट सेक्शन में बता दो। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे बता देंगे, फिर हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। वेरी गुड, यस, चलिए मतलब सबको क्लियर है ना, यस, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। चलो जिनको याद है बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की। सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन पहले से ही, ठीक है, पहले हमने पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, अभी हम फ्रैक्शन के बारे में क्या एक रिवीजन ले रहे हैं, फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप सभी को याद होगा, मैंने अपनी क्लास में भी बताया था, तभी बेटा मैं बार बार कह रही थी गलत ना हो, पहले कॉपी में करा करो, उसके बाद पोल में आंसर किया करो, कोई बात नहीं। अब देखो फ्रैक्शन के बारे में बच्चों, जो हमने पढ़ा था या आपने दोनों बैच ने जब पढ़ा होगा, फ्रैक्शन आपका क्या होता है, किसी भी होल में से, मतलब किसी भी पूरी चीज में से, अगर हम किसी पूरी चीज के कुछ पार्ट्स कर देते हैं, भाग कर देते हैं, मान लो मेरे पास एक रोटी है, मैं रोटी से ही बात करती हूँ, मैं इस रोटी के चार हिस्से कर दे रही हूँ। ठीक है, सो मैं इन चार पार्ट में से अगर इस एक पार्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं इस एक पार्ट को मैथमेटिक्स में कैसे लिखूंगी, उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रैक्शन। सो बेसिकली फ्रैक्शन है क्या, कि किसी भी पूरी चीज यानी कि होल के, किसी भी होल में से, किसी भी पूरी चीज में से, किसी भी पूरी चीज में से अगर हम उसकी कुछ पार्ट्स कर रहे हैं और उन पार्ट्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि उनको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, तो हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो बेसिकली फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन एक रिप्रेजेंटेशन है, जो हम किसी भी पूरी चीज के कुछ पार्ट्स को, अगर हम पार्ट्स कर रहे हैं, उस पार्ट्स को लिखने के लिए यूज करते हैं। राइट, सो सपोज मैं इस पार्ट की बात करूं, तो इस पार्ट को मैं क्या लिखूंगी, 1/4 यानी 1/4। क्यों, क्योंकि इस पूरे रोटी को मैंने चार पार्ट्स में लिखा, चार भाग में बांटा, चार पार्ट्स मैंने नीचे लिखे, और मैं कितने पार्ट्स की बात कर रही हूँ, एक की। मान लो मैंने एक रोटी आपका एक हिस्सा आपको दे दिया, मतलब वन पार्ट वन पोर्शन आपको दे दिया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1/4। क्या ये बात सभी को पता है फ्रैक्शन आपका एग्जैक्टली होता क्या है, यस और नो में मुझे जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। देखो मेरी बैच में बच्चे, आप लोगों को पता है डायग्राम के साथ मैंने आप सभी को सिखाया था, सो मेरे को पता है कि आपको क्लियर होना चाहिए। इस बैच में मुझे बता दीजिए बच्चों क्लियर है या नहीं, कि फ्रैक्शन क्या होता है, कब यूज करते हैं, बेसिकली यूज क्या है फ्रैक्शन का। ठीक है चलो, फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। राइट, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। राइट, एक सेकेंड सभी बच्चे मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, बस आपकी स्क्रीन अभी आ रही है ना, जस्ट वन सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा, दोनों बैच से रिक्वेस्ट है, जस्ट वन सेकेंड, आप लोगों के पास बस अभी आ रही है स्क्रीन। वन सेकेंड, हाँ बस वन सेकेंड, बेटा एक मिनट म्यूट रखिए प्लीज, बस दो मिनट दे दीजिए, बस आ रही है आपके पास स्क्रीन, वो हैंग हो गई है, एक मिनट दीजिए मुझे।
थैंक यू बच्चों, एक मिनट देने के लिए, बस एक मिनट दीजिए, आ रही है आपके पास फ्री। वन सेकेंड बच्चों, बस एक सेकेंड और दीजिए, गिव मी अ वन सेकेंड। बेटा एक सेकेंड बेटा, वो ना स्क्रीन फ्रीज हो गई है, बस वो बंद होगी तभी ओपन होगी, मुझे बस एक मिनट दीजिए। बेटा लैपटॉप चलाऊंगी तभी तो दिखेगा आपको भी। आप पलक तो अपने ऊपर डालो मैम, एक सेकंड तो कब का हो गया। हाँ तो बेटा एक मिनट दीजिए तो, मुझे करने तो दीजिए ओपन लैपटॉप चलाने के लिए। वो बात दो चार स्लाइड्स बेटा, आप जो मुझे बोल रहे हो ना मैम, आपका लैपटॉप चल रहा है, चार पांच स्क्रीन चल रही है साथ साथ, पांच स्क्रीन चल रही है बेटा, तो दो स्क्रीन फ्रीज हुई है ना, एक मिनट दीजिए, मैं वही तो आपको बोल रही हूँ। मैम पांच स्क्रीन किस किस की चल रही है बेटा? दो आपके बैचेस चल रहे हैं ना मेरे पास, साइमल्टेनियसली दो बैचेस चल रहे हैं, यस मैम, सो इस वजह से पांच छह स्क्रीन चल रही है, उसमें से एक फ्रीज हो गया। एक मिनट दीजिए बस, आप लोगों के पास अभी आ रही है स्क्रीन से। मेरे एक बैच में आई होगी स्क्रीन, देखिए जरा आई क्या बैच, शुभम सर की आईडी से जो ये जो बच्चे हैं, शुभम सर के बैच के बच्चों में स्क्रीन आई क्या बेटा, एक बार मुझे बताइएगा। नो नो मैम, चेक करो एक बार। नो मैम, मैम आ गई। यस अभी, यस गुड गुड गुड, अभी दूसरे बैच में भी आ गई होगी, एक मिनट। हाँ अभी एक मिनट, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा अभी मेरे एक दो बच्चों को ना एक डाउट था, थैंक यू बेटा आ गई तो। अच्छा मेरे एक दो बच्चे को ना डाउट था, मैं पहले वो क्लियर कर दूं। मेरे एक दो बच्चे क्या कह रहे हैं कि मैम आपका लैपटॉप जो चल रहा है आपके स्पेक्स में दिख रहा है, आपके चश्मे में दिख रहा है ना, तो मैं उनको बता दूं बेटा लैपटॉप तो चलेगा आपका, जिसमें हम डैशबोर्ड चल रहे थे ना वो आपका फ्रीज हुआ था, ठीक है। चलो एनीवे स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, टाइम काफी हो गया, ठीक है। सो मैं एक डायग्राम देती हूँ आप सभी को, मुझे फ्रैक्शन का सभी बच्चे बताएंगे। सपोज करो मेरे पास ना एक कुछ एक चीज है, ठीक है, एक सर्कल है, जिस इस सर्कल को मैंने ना एट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको एट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसमें से तीन पार्ट्स को मैंने ले लिया। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूं बेटा तो मैं कैसे लिखूंगी, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे, दोनों ग्रुप के बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे, अभी सबके लिए नहीं हुआ है। चलिए बिल्कुल सही ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 बेटा, ऐसा नहीं है, मैं
मैं सबको आंसर दे रही हूँ, मैं ना साथ साथ दोनों नहीं देख सकती, मैं कभी आपके मैसेज पढ़ रही हूँ कभी दूसरे वाले ग्रुप के पढ़ रही हूँ, तो बीच में ना कुछ के गैप में हो सकता है रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर लग रहा है कोई डाउट है, मेजर गैप हो गया है, तो अनम्यूट करके पूछ लो, ठीक है। यस 3/8, ठीक है, बिल्कुल सही। मैम आज आप दोनों क्लास ले रही है? हाँ बेटा, मैम आज आप दोनों क्लास ले रही है क्या? हाँ बेटा, आज मेरा दो सा क्लास साथ साथ चल रही है। यस बिल्कुल सर। इंग्लिश की दोनों? नहीं बेटा, इंग्लिश की है दोनों, दोनों इंग्लिश की है, ठीक है। चलो बिल्कुल सही बच्चे, ठीक है। चलो, सो हमने ये देखा फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है आपका किसी भी होल का, यानी कि किसी भी एक पूरे सर्कल की अगर हम बात करें, उसके कुछ पार्ट्स को अगर हम लिखना चाहते हैं फ्रैक्शन में, तो हम कैसे लिखते हैं? हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हम उसको कैसे लिखते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। अब एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? 5/4, 3/7, है ना, 1/2, एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी हमारा, ये सभी फ्रैक्शन है। अब बात कर लेते हैं बेटा, आप लोगों ने ये चीज सभी दोनों बैच के मेरे बच्चों ने पढ़ी होगी, कि जो फ्रैक्शन होता है उसके अंदर ऊपर वाला नंबर आपका न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। सबको पता है या नहीं? अगर मैं यहाँ पर 5/3 लिख रही हूँ, 5/3 लिख रही हूँ, तो जो ऊपर वाला नंबर है बेटा उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, है ना, और नीचे वाला जो नंबर है उसे मैं बेटा कहती हूँ डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर, सबको पता है, बहुत इजी है। अब इसी के बेसिस पे याद करो, हमने 3 types के फ्रैक्शंस पढ़े थे, याद है सभी को? यस और नो चैट सेक्शन में बता दो, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, तीनों पढ़े थे। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होता है? जहां पर अगर मैं लिखूं 3/5, ठीक है, या 7/12, कहने का क्या मतलब है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होता है? जहां पर आपका ऊपर जो न्यूमरेटर है वो आपका स्मॉलर होता है, छोटा होता है, किससे बेटा? डिनोमिनेटर से, नीचे वाले से। और याद करो, प्रॉपर फ्रैक्शन का आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का आप लोग डायग्राम बना सकते हो, ये बात पता है या नहीं? जैसे अगर मेरे पास 3/5 है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट के मैंने 5 हिस्से करे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बच्चे। अब मैंने इन 5 में से 3 चॉकलेट आपको, मान लीजिए 3 हिस्से मैंने आप में से किसी एक बच्चे को दे दिए, ठीक है, तो मैं उसे कैसे लिखूंगी बेटा? मैं लिखूंगी 3/5, मेरे पास 5/4 में से, यस, 3/5 या 3/5, यस, ठीक है, यस बच्चे बिल्कुल सही, ठीक है। सो कहने का क्या मतलब है? जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वहां पर आपका न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नंबर आपका हमेशा छोटा होगा नीचे वाले डिनोमिनेटर से, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैं लिखूं 3/5, है ना, 3/8, 10, 3/4, 5/7, ये सभी क्या है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अच्छा मुझे सभी बच्चे एक बार बताना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबको पता है ना, इसी का अपोजिट होगा कि न्यूमरेटर आपका यहाँ पर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है, राइट, यही होता है ना, कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, राइट। क्या मुझे सभी बच्चे जरा सेट सेक्शन में बताओ, क्या आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मुझे जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या आप लोग डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो? यस और नो में आंसर बताइएगा, बता दो जरा, बता दीजिए सभी बच्चे बेटा। मैं यस बताइए जरा, यस और नो, बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, यस मोस्टली मुझे कुछ बच्चों ने यस मेरे बैच में बच्चों ने नो ही लिखा है, यस वेरी गुड, कुछ बच्चों ने ना मिक्स करा है। मैं बता देती हूँ बेटा, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डायरेक्ट डायग्राम नहीं बना सकते। आप 5/3 का, 5/3 का डायग्राम बना सकते हो क्या? नहीं। आप 3/5 का बना सकते हो, ठीक है। सो आपको इम्प्रॉपर का बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जहां पर न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है ना, वहां पर आपको डायग्राम डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ता है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है बेटा। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है बच्चों, राइट।
सो मैं क्या करती हूँ, पहले मिक्स फ्रैक्शन देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन जैसे मैं लिखू 4 × 2/3, ये क्या है आपका बेटा? मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जो 4 है ये आपका एक होल नंबर है ना, और जो 2/3 है ये आपका देखो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट? सो हमेशा याद रखना बेटा, आप डायरेक्ट डायग्राम मिक्स फ्रैक्शन का बना सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन का बना सकते हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का बना सकते हो, लेकिन इम्प्रॉपर का डायरेक्ट नहीं बना सकते। उसके लिए आपको पहले इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना पड़ता है मिक्स फ्रैक्शन में, राइट? क्या मेरी बात क्लियर हुई है सभी बच्चों को? ये बात क्लियर हुई है मिक्स फ्रैक्शन का, कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? अगर मेरा 2 × 1/3 लिखा है, यस, सो 1 × 2/3, रिपीट कर दू, यस, yes. मैंने बेटा ये चीज कही है कि अगर आपके पास 2 × 1/2 इस तरीके से कोई संख्या लिखी है, नंबर लिखा है, उसे उस फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है, डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका छोटा होता है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है, जो नॉर्मली जिसका आप देख के डायरेक्ट डायग्राम बना पाते हो, ठीक है? चलो अभी मैं एक क्वेश्चन ना जरा चैट में पूछूंगी, पोल में पूछूंगी, मुझे क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर करेंगे इसमें, मुझे दोनों बैच के आंसर पोल में ही आंसर करेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन है बेटा 2/5, ठीक है, 2/5 आपका किस टाइप का फ्रैक्शन है? ठीक है, ये दोनों बैच के बच्चे मेरे को कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा, प्लीज। हाँ आंसर करोगे आप, दोनों बैच के बच्चों के लिए है ये, पोल में आंसर करना है दोनों बैच के बच्चों को, ठीक है? चलिए पहले कॉपी में कर लो, अगर लग रहा है डाउट कि किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, उसके बाद आप लोगों को कहाँ करना है, पोल में करना है, कर दीजिए। 2/5 किस टाइप का फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या नन ऑफ दीज, ठीक है? सभी बच्चे करें बेटा, नहीं प्लीज कोई बच्चा नहीं बताएगा, दोनों बैच के बच्चों से रिक्वेस्ट है, कोई ऐसे नहीं बोलेगा, पोल में करोगे सभी बच्चे आंसर, जब तक मैं पोल ऑफ नहीं कर देती कोई भी नहीं करेगा ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से कीजिए बेटा, 2/5 है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे बहुत बच्चे रुके हुए हैं, बहुत बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड बेटा, 2/5 किस टाइप का फ्रैक्शन है, ये आपको बताना है सिंपल। तीन टाइप के फ्रैक्शन हमने बच्चे पढ़े थे, उसमें से देख लो कौन सा 2/5 किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, है ना? सभी करेंगे, सभी सभी जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है, मुझे सबके आंसर चाहिए बेटा, प्लीज। नहीं प्लीज मेरे, प्लीज लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे प्लीज। वेरी गुड, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग बेटा जो आंसर ठीक लगता है कर दीजिए, कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सलीम खान की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, आप म्यूट कर लीजिए वरना आप। वेरी गुड, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं दोनों बैच के अंदर, दोनों बैच में मेरे अभी काफी बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। सलीम खान की आईडी से बच्चा, मैं क्लास से बाहर निकाल रही हूँ आपको, और दोबारा आप एंट्री नहीं मिलेगी और आपकी कंप्लेंट जाएगी वो अलग। मैम होमवर्क चेक कर लेना। हाँ बेटा क्लास के बाद। वेरी गुड, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो, अभी भी मेरे काफी बच्चे बचे हुए हैं। नहीं कभी अभी, कम से कम मेरे अभी बेटा सारी चीजें बाद में, अभी मैं क्लास के बाद लूंगी आप लोगों के डाउट्स ना, लूंगी मैं रंजीत कुमार की आईडी से बेटा डाउट लूंगी मैं,
क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए मैं लूंगी आपका डाउट। अभी भी मेरे काफी बच्चे बचे हुए हैं दोनों ग्रुप्स के अंदर, सभी बच्चों को आंसर चाहिए बेटा। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और दोनों बैच के बच्चों को, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और हम चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, यस, सो वेरी सिंपल बेटा। आपको पता है न्यूमरेटर आपके पास छोटा है और डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा है ना। सो कभी भी ऐसा होता है न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, है ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यस। ठीक है, चलिए मुझे बताइए जरा, मेरी बात समझ आई है, फ्रैक्शन क्या होता है और टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? क्या मेरे दोनों बैच में सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? यस और नो? यस मैम। चलिए सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम, वक्त कर लो। हाँ बेटा एक मिनट, यस। क्या मेरी इस बैच में शुभम सर की क्लास के बैच में सभी बच्चों को समझ आया है बच्चे, या कोई किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए।